नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल टेक्निकल ग्राउथ पर स्वागत है। दोस्तों, अभी एक दिन पहले मैंने कम्युनिटी में एक पोल डाला था जिसमें 70% लोगों ने CRTV की वीडियो के लिए वोट किया। तो दोस्तों, उसी से रिलेटेड CRTV का वीडियो मैं आपके लिए यहाँ पे लेकर के आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जो ये टीवी आप देख रहे हैं, इसमें सप्लाई नहीं आ रही है, तो इसमें आप देख सकते हैं आउटपुट में 110 पे सप्लाई नहीं आ रही, और यहाँ पर फिल्टर कैपेसिटर पर वोल्टेज आ रहे हैं और यहाँ पर वोल्टेज नहीं आ रही है। देखिए, यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है। चार सप्लाई बनती है, चारों में से कोई सी भी सप्लाई यहाँ पे नहीं आ रही है। तो इस आउटपुट ट्रांजिस्टर के ख़राब होने पर भी सप्लाई नहीं आती है, या EST सेक्शन में लगे कंपोनेंट जो कैपेसिटर, EST योक कॉइल, इनमें से कोई ख़राब होगा तो भी वोल्टेज नहीं बनते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले आउटपुट ट्रांजिस्टर को चेक करते हैं। तो देखिए, ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट दिखा रहा है। तो इस ट्रांजिस्टर के शॉर्ट होने की वजह से हमारे आउटपुट के वोल्टेज ड्रॉप हो गए। ठीक है, तो इस ट्रांजिस्टर और EST सेक्शन में जाने वाली सप्लाई को यहाँ से एक जम्पर लगा हुआ है, तो इस जम्पर को हम यहाँ से हटा देंगे तो हॉरिजॉन्टल सेक्शन में जाने वाली सप्लाई बंद हो जाएगी और सप्लाई हमारी ऑन हो जाएगी। सबसे पहले यही करना है, जब अगर सप्लाई नहीं बन रही तो आउटपुट में जाने वाली सप्लाई को सबसे पहले हटा देना है। तो इस जम्पर को मैंने यहाँ पे हटा दिया है। ठीक है, अब हम चेक करके देखते हैं कि वोल्टेज मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। तो चलिए, मैं ऐसी सप्लाई देता हूँ इसे। तो दोस्तों, यहाँ पर वोल्टेज देखिए, अब देखिए आप वोल्टेज सीरीज में देखिए, बहुत ज़्यादा वोल्टेज आ रहे हैं 110 सप्लाई पर। जितनी सप्लाई ऐसी वोल्टेज, उतनी ही वोल्टेज यहाँ पर भी मिल रही है आउटपुट में, तो बहुत ज़्यादा वोल्टेज है। इस कंडीशन में ज़्यादा देर तक सेट को चलाना नहीं है, क्योंकि अगर ज़्यादा देर तक हम इसे ऑन करेंगे तो ये आउटपुट सेक्शन या वर्टिकल या बहुत सारे कंपोनेंट इसमें ख़राब हो सकते हैं। मतलब सप्लाई रेगुलेट नहीं हो रही है, और 200 वोल्ट के करीब इस पर सप्लाई मिल रही है, 270 वोल्ट के करीब सप्लाई मिल रही है। तो ये यहाँ पर जो सेक्शन है, इसमें ये प्रीसेट लगा हुआ है, इस सेक्शन को चेक करेंगे और जो ये प्रीसेट है ये भी ख़राब हो सकता है। तो इसको सबसे पहले हम चेंज कर देते हैं, क्योंकि ये 1.5K या 2K का प्रीसेट होता है तो ये ख़राब हो जाता है। तो इसकी वजह से भी हाई वोल्टेज मतलब ओवर वोल्टेज हो जाते हैं। तो देख सकते हैं आप इसकी कंडीशन कैसी हो गई है, इस पे जंग आ गया है, तो शायद यही ख़राब है और इसकी वजह से ओवर वोल्ट आउटपुट में मिल रहे हैं। तो इसी वैल्यू का मैं दूसरा यहाँ पे प्रीसेट लगा दूंगा, 1.2K, 1.5K या 2K का प्रीसेट यहाँ पे लगा देंगे। और उसके बाद हम वोल्टेज चेक करेंगे। तो दोस्तों, ये हमारा प्रीसेट यहाँ पे लग चुका है। और इसको थोड़ा सा हम बहुत ही कम सप्लाई पे कर देते हैं, क्योंकि ये एडजस्ट अभी नहीं है। और अब देख लेते हैं इसके वोल्टेज। तो देखिए, अभी भी वोल्टेज हाई आ रहे हैं, ओवर वोल्ट आ रहा है। तो इस कंडीशन में क्या करना है, यहाँ पर जो लगे हैं कंपोनेंट, एक जीनर लगा है, इस जीनर को चेक करना है। और ये जो ट्रांजिस्टर है 18-15, इसको भी चेक करना है। और जो यहाँ पे रेजिस्टेंस वगैरह लगे हैं, इन सभी को हमें चेक करना है। तो सबसे पहले हम इस ट्रांजिस्टर को चेंज करेंगे,
और प्रीसेट को हमने चेंज कर दिया और इंजीनियर सही दिखा रहा है। और ये 1815 जो ट्रांजिस्टर एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ये भी हम चेंज ही कर देते हैं। रेगुलेटर से जो भी फॉल्ट आता है वो यहीं पर आता है, क्योंकि सप्लाई रेगुलेट नहीं होती, तो इसी सेक्शन में देखना है। तो हमने ये ट्रांजिस्टर चेंज कर दिया है, अब एक बार देख लेते हैं वोल्टेज। तो चलिए देखिए, अभी भी वोल्टेज ज़्यादा आ रहे हैं। तो अब क्या करना है, अब यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है लगे हैं, इन रेजिस्टेंस को सभी को वन बाय वन चेक करना है। तो देखिए यहाँ पर ये रेजिस्टेंस, कोई रीडिंग यहाँ पर नहीं मिल रही है, और ये तीसरी रेजिस्टेंस, इस पर भी नहीं मिल रही है। तीनों रेजिस्टेंस पे कोई वैल्यू हमें यहाँ पे शो नहीं कर रही है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे, तो दोस्तों फॉल्ट यहीं पर है। देखिए आप, ये रेजिस्टेंस एक ओपन की तरह ही है, एक एक पिन इनकी टूटी हुई है, जो भी जंग आकर के, और ये काफ़ी गल चुकी है, इस वजह से ये काम नहीं कर रही है। बोर्ड में मामूली सी अटकी हुई है, ये देख सकते हैं, और ये जंग आ जाती है तब इस तरह की प्रॉब्लम आती है, और हमें पता नहीं रहता। ये देख सकते हैं सभी रेजिस्टेंस, बहुत से कंपोनेंट इसमें ऐसे हैं जो काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। तो दोस्तों ये रेजिस्टेंस मेरे पास, बहुत से बोर्ड पुराने पड़े हैं, उनमें से निकाल लूँगा, और दूसरे ये पुराने बोर्ड जो हैं हमारे बहुत काम आते हैं, और बहुत से कंपोनेंट दोस्तों मैं पुराने बोर्ड से निकाल करके लगाता हूँ। तो तीनों रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे चेंज कर देनी है। पुराने बोर्ड से हम बहुत से कंपोनेंट निकाल करके किसी भी टीवी में लगा सकते हैं। तो मेरे पास ये सेम इसी तरह का बोर्ड पड़ा हुआ है। तीनों रेजिस्टेंस को मैं निकाल करके इसमें लगा देता हूँ, वीडियो कट करके थोड़ा सा जल्दी से, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा बन जाता है। तो मैं फटाफट ये तीनों रेजिस्टेंस को निकाल करके इस बोर्ड में लगा देता हूँ, और फिर हम देखेंगे। तो दोस्तों हमने ये तीनों रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा दिए हैं, और ये देखिए, ये देखने में सही कनेक्ट दिखाई दे रही थी, लेकिन ये काम नहीं कर रही थी, क्योंकि थोड़ा सा ही पीसीबी में अटकी हुई थी ये, और हमारा ध्यान भी नहीं रहता इनके ऊपर। जब फॉल्ट आता है तभी हमारा ध्यान कंपोनेंट की तरफ जाता है। तो अब देखते हैं, तो देखिए हमारा ये वोल्टेज ओके आ चुका है, और इन रेजिस्टेंस की वजह से ही ये फॉल्ट बना हुआ था। और अब आउटपुट में सप्लाई, हम आउटपुट ट्रांजिस्टर को चेंज करेंगे तभी लगाएंगे। और अगले वीडियो में दोस्तों इसी बोर्ड का मैं एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आउटपुट ट्रांजिस्टर, जिसमें 18.03 लगता है, उसकी जगह पर एक दूसरा ट्रांजिस्टर हम लगा के आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो ये देखिए ट्रांजिस्टर शॉर्ट है, तो ट्रांजिस्टर 18.03 की जगह पर हम एक दूसरा ट्रांजिस्टर लगाएंगे। तो वीडियो नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाऊंगा इसी बोर्ड से। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, एक साथ ही बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।